हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कि पीएचपी में पेमेंट इंटीग्रेशन कैसे होता है, पेमेंट गेटवे का जो इंटीग्रेशन कैसे होता है। ठीक है, पेमेंट गेटवे हम बनाएंगे नहीं, क्योंकि पेमेंट गेटवे बनाना एक बहुत बड़ा प्रोसीजर है, बहुत सारे लाइसेंस परमिशन उसमें लगते हैं। बट हम लोग पेमेंट गेटवे का इंटीग्रेशन करेंगे, थर्ड पार्टी का यूज़ करने वाले, थर्ड पार्टी एपीआई जो होती है हम लोग वो यूज़ करेंगे। तो जैसे इंस्टामोजो है, स्ट्राइप है, रिजर्व पे है, बहुत सारे मार्केट में है। बट आज हम लोग यूज़ करेंगे इंस्टामोजो को। बहुत अच्छा है, बहुत ऑथेंटिक है और ट्रस्टवर्दी भी है, बहुत बड़ा मार्केट है उसका भी। तो देखेंगे कि काम कैसे करता है दोस्तों। ठीक है, तो मैं आपको लाइव मनी ट्रांजेक्शन करके दिखाऊंगा, लाइव पैसे का डिडक्शन करके दिखाऊंगा कैसे होता है। ठीक है, तो ये मेरा छोटा सा शॉपिंग कार्ट का यहाँ पर मैंने एक व्हाट्सएप के थ्रू बना लिया है। सैमसंग गैलेक्सी का एक फ़ोन है, यहाँ पे मैंने 15 रुपीज़ उसको दिया है। एक्चुअल प्राइस तो 15,000 है, बट मैंने 15 रुपीज़ दिए, ज़्यादा नहीं कटवाना चाहता मैं। तो मैं इसको ऐड टू कार्ड करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल आ गया है 15 रुपीज़। टोटल जो टैक्स है 15% मैंने अप्लाई किया जावा स्क्रिप्ट के थ्रू, और जो टोटल पेमेंट अमाउंट है यहाँ पर दिखा दिया 17 रुपये 25 पैसे। अब मेक पेमेंट पे मैं क्लिक करूँगा तो ये आ जाएगा, ये पेज पे आ जाएगा, जो पेमेंट गेटवे का पेज है। यहाँ मैं इस पर अब पेमेंट को दे सकता हूँ, जिस बंदे को मुझे देना है, जिसके साइट पे हूँ मैं। ठीक है, तो फिलहाल ये तो मेरा खुद का है, डेमो साइट मैंने बना के रखा है, मैंने नाम रखा है वेजिटेबल बाय। अब यहाँ पर अमाउंट जो था मेरा 17 रुपये 25 पैसे है, इन्होंने कन्वीनियंस फ़ी जो है वो 4 रुपये लगाई है। अब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर GST वगैरह इन्होंने अपना लगा दिया है, क्योंकि अब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है तो गवर्नमेंट को GST तो देना पड़ेगा। टोटल जो अमाउंट मेरा बनता है, जो मुझे पे करना है, वो 21 रुपया 41 पैसे है। ठीक है, और हाँ, अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास तीन ऑप्शन है पेमेंट करने के। एक तो ये QR कोड है, मतलब आप मोबाइल से निकालिए, पेटीएम या गूगल पे पे जाइए, QR कोड को ऑन कीजिए और स्कैन कर लेंगे और यहाँ से पे कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों इंट्रा UPI ID, UPI ID जो है उसको आप एंटर करके यहाँ पर कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है मोर पेमेंट ऑप्शन, तो हम लोग देखेंगे मोर पेमेंट ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि QR कोड तो आप समझ सकते हो और इंटर UPI ID के, बट हम लोग ना डेबिट कार्ड से कटवा के देखेंगे पैसे को, क्योंकि कटता है कि नहीं कटता है। मोर पेमेंट में मैं क्लिक करता हूँ और डेबिट कार्ड पे जाता हूँ। इसमें नेट बैंकिंग, वॉलेट, पे लेयर, पे लेटर, ये सब के ऑप्शन हैं, हम लोग डेबिट कार्ड पे जाते हैं। अब यहाँ पर मैंने अपना कार्ड नंबर डाला, ऑलरेडी सेव्ड है। ठीक है, ये डाल दिया CVV। अब पे करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आ गया। अब मुझे ये मेरे बैंक का ऑथेंटिकेशन पेज आ गया। ठीक है, मैं वेट करता हूँ थोड़े से कि OTP आए कि नहीं, तब तक यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल लेता हूँ। ठीक है, पासवर्ड डाल दिया, OTP देखते हैं कुछ आया कि नहीं आया। हाँ, OTP आ गया मेरे मोबाइल पे, 1। ठीक है, अब मैं प्रोसीड करता हूँ। पेमेंट सक्सेसफुल। ठीक है, अरे इतनी जल्दी चला गया। ठीक है, हमने कितना भरा था, मैं यहाँ से देख लेता हूँ। ठीक है, हम लोग कंटिन्यू टू होम पेज पे जाते हैं। 15 रुपया, उसमें उन्होंने कुछ 21 रुपया मैंने भरा था। ठीक है, 21 रुपया। अब मुझे मैसेज आ चुका है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपसे। ठीक है, विद टाइमिंग मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तब तक मैं आपको बता देता हूँ कि दोस्तों इसमें मैंने फोल्डर क्या क्या बना के रखे हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास है 4 फोल्डर, 4 फाइल्स है। ये मेरा फोल्डर, ये कोड जो है मैं आपको शेयर कर दूंगा दोस्तों। ठीक है, तो उस पर आपको टेंशन नहीं लेना है कोई, मैं शेयर कर दूंगा आपको। अब क्या करना है, पहला ही काम कोड देखने से पहले ना हम लोग जाएंगे यहाँ पर इंस्टा मोजो के साइट पे जाएंगे। तो आपको डालना, यहाँ पे डालना है इंस्टा मोजो। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद दोस्तों ये देखिए, ये मेरा डैशबोर्ड है और यहाँ पे मेरे पास आ गया 56 रुपीज़।
लास्ट ट्रांजेक्शन ये मेरा बता रहा है, क्योंकि दोस्तों जो डेबिट कार्ड है मैंने यूज़ किया है और जो मेरा डेबिट कार्ड इससे लिंक्ड है, दोनों सेम ही है, ठीक है, मेरे पास फिलहाल एक ही डेबिट कार्ड है, दोनों तो सेम ही है, तो यहाँ पर इसीलिए ये बता रहा है कि मैंने अभी 3 ट्रांजेक्शन किया, एक टेस्टिंग के लिए, तो अभी देखते हैं ट्रांजेक्शन क्या क्या है। देखो 21 रुपया कट गया यहाँ पे ना, ठीक है, 7 मिनट पहले 21 रुपये कट गया, शायद 2 बार मेरा कट गया क्योंकि एक बार फेल हो गया था, उसके पहले मैंने 30 रुपये का एक कराया था, ठीक है। अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, 28 जनवरी है, एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मुझे 3 पेमेंट का उसने ऑप्शन दिखाया कि लास्ट के 3 पेमेंट क्या क्या हुए हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, दो काम करना है इसमें, कि इंस्टा मुझे के डैशबोर्ड पे जाओगे तो एपीआई और प्लगइन पे जाना है। एपीआई प्लगइन पे मैं अभी फिलहाल क्लिक नहीं करूँगा क्योंकि इसमें जो इम्पोर्टेंट क्रेडेंशियल्स है कुछ, तो वो इसलिए ओपन नहीं करूँगा, बस इसमें दो चीज़ है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है, वो दो चीज़ यहाँ से मिल जाएगी। उसके बाद आपको जाना है, टाइप करना है इंस्टा मोजो PHP API, ठीक है, तो ये कर्ल का कोड देगा आपको, ठीक है। यहाँ पे मैं आ गया, अभी मैं बता रहा हूँ ये जो डैशबोर्ड में API का जो प्लगइन है एक्चुअली है क्या, इसके अंदर क्या है, ठीक है, मैं भी बताता हूँ। फिलहाल मैं ट्रांजेक्शन का आपको प्रूफ दिखाना चाह रहा था, तो अभी मैं जाता हूँ मेल पे, मैंने स्क्रीन जो शॉट है मेल पे ले लिया है, ये रहा, ठीक है, ये देखिए, योर बैंक अकाउंट डेबिटेड 21 रुपीज़ 44, ठीक है। ये अभी भी हमने जो ट्रांजेक्शन किया था 1:03 पे, तो इस टाइम कितना बज रहा है, इस टाइम 1:06 हो रहा है, तो इस टाइम मैंने इसको ट्रांजेक्शन किया था 3 मिनट पहले, ठीक है। तो ये यूनियन बैंक का मेरा अकाउंट है, तो मैंने लाइव ट्रांजेक्शन करके दिखाया दोस्तों। अब इसके पीछे का हम लोग कोड देखेंगे, ये कोड कैसे काम करता है, बहुत इजी कोड है। तो आपको पहला काम करना है इंस्टा मोजो पे एक अकाउंट सेटअप करना है, उस पर आपको ना आपका डेबिट क्रेडिट कार्ड जो भी है उससे लिंक अकाउंट को सेटअप करना पड़ेगा, तो वो बहुत ईजी है, यूट्यूब पर इन्होंने बहुत सारे वीडियो डाल के रखे, आप वहाँ से सीख लीजिए। उसके बाद डैशबोर्ड पर आइए, डैशबोर्ड पर EPIN प्लगइन में जाना है, तो ये आपको दो कोड देगा, एक टोकन देगा और एक ऑथेंटिकेशन की देने वाला है, ठीक है। तो हम लोग डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं, डैशबोर्ड के बाद हम लोग ने यहाँ पे टाइप किया दूसरा स्टेप इंस्टा मुझे PHP API। अब हम लोग को API का कोड चाहिए इसका, तो इस पर हम लोग गए, अब मैं इस पर जाऊँगा, यहाँ पे आना है पेमेंट रिक्वेस्ट ID, पेमेंट ID यहाँ पे जाना है, और यहाँ पे कर्ल है, पाइथन है, नोड है, PHP में मैंने क्लिक किया, ये जो पूरा का पूरा कोड है यहाँ से ये आपको उठा लेना है, ठीक है। मैंने ये कोड ऑलरेडी यहाँ पर उठा लिया, एक्शन अंडरस्कोर डमी, मेरे पास एक्शन के दो फाइल है एक्चुअली, एक्शन डमी और एक्शन, तो एक्शन डमी इसलिए बनाया है मैंने, मेरा जो एक्शन डमी जो action.php में यही सेम फाइल है, बट क्या था कि उसमें मेरा जो सब क्या बोलते हैं ईमेल नाम पता बिता सब ओरिजिनल था, इसलिए मैंने यहाँ पे शेयर नहीं किया, मैंने action_dummy नाम का फाइल कन्वर्ट कर लिया और इसी में मैंने ये सब चेंज कर लिया। तो आपको जो ये जो डैशबोर्ड पे प्लगइन पे जाओगे ना दोस्तों, तो दो चीज़ आपको मिलेगी, एक है API की मिलेगा और ऑथ टोकन मिलेगा, दोनों को यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है यहाँ पे, और ये जो लिंक है ये तो सब सेम ही रहेगा, ठीक है। ये लिंक है, कोड आप एक काम करना, ये सेम का सेम कोड उठा के चिपका दो, क्योंकि ये जो कोड है यहाँ पर रिस्पांस के बाद थोड़ा मैंने 1-2 लाइन का कोड लिखा था कि वो डेटा को प्रिंट कर सके, तो आपको ये पूरा कोड यहाँ पे चिपका देना, अगर कुछ इशू रहेगा ना तो ये एरर शो कर देगा, अदरवाइज रन हो जाएगा। तो मैंने इफ़ का एक कंडीशन लगाया है कि अगर इफ ग्रैंड टोटल मुझे मिलता है, ग्रैंड टोटल उसको कहाँ से मिलेगा, यहाँ से, जब मैंने बटन क्लिक किया तो कहाँ गया, ये रहा ग्रैंड टोटल, ये आपको पता होगा इनपुट टाइप वगैरह हम लोग यूज करते हैं, तो उसमें हमको नेम देते हैं, नेम को मैंने यहाँ पे बता दिया, ये नेम मैंने पोस्ट मेथड में ले लिया, उसके बाद ये पेमेंट डॉलर पेमेंट में इसको मैंने सेव कर लिया, और यहाँ पे जो इन्होंने एरे बना के दिया है मुझे, ये इंस्टा मोजो ने एरे बनाया, ये जो पूरा का पूरा कोड है इंस्टा मोजो का, खाली ये मैंने इसमें एक्स्ट्रा लगाया, ये जो कोड दिख रहा है ये दोनों
एक्स्ट्रा लगाया और नीचे के ये मैंने एक्स्ट्रा लगाया, ये हेडर इसलिए एक्स्ट्रा लगा दिया क्योंकि मुझे पेमेंट के बाद रिडायरेक्ट करना था, तो कहाँ पे रिडायरेक्ट करता हूँ मुझे पेमेंट के बाद, वो लॉन्ग यूआरएल जो देता है वहाँ पे मुझे रिडायरेक्ट करना था, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने उसको यहाँ पे रिडायरेक्ट कर दिया, हेडर में हेडर फंक्शन, हेडर का जो मेथड है उसके थ्रू मैंने उसको रिडायरेक्ट कर लिया, ठीक है। और जो मेरा कार्ट का पेज है उस पर तो ये पूरी की पूरी डिज़ाइन थी मेरी, ये जो डिज़ाइन है ये मैंने रखा है अपने कार्ट के पेज पे। कार्ट के पेज के बाद जो आपको ये जो पेज दिख रहा है ये होम डॉट पी एच पी है, ये जो है कार्ट डॉट पी एच पी है, और ये जो पेज है ये होम डॉट पी एच पी। इसके बाद मेक पेमेंट पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ ना तो वो किस पे जाता है, वो एक्शन पे जाता है। एक्शन पे ये पूरा का पूरा कोड रन हो रहा है, ये पूरा का पूरा कोड रन हो रहा है। और जो ये पेज आपको दिख रहा है ना दोस्तों, अरे यार क्या प्रॉब्लम है, एक सेकंड वापस करके इसको सेलेक्ट करते हैं, कुछ इशू आ गया, हम लोग का अमाउंट चेंज कर देते हैं जाके कार्ट में। कभी कभी टेस्टिंग में कुछ इश्यू आ जाते हैं, ठीक है। मैंने रिफ्रेश किया फिर ऐड टू कार्ट जाते हैं, फिर से आ गया है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, एरर और एम्प्टी। अच्छा ये चल गया यहाँ पर क्योंकि उसको डेटा नहीं मिला तो इसने चला दिया एरर और एम्प्टी, ठीक है। तो मैं वापस सेलेक्ट करता हूँ, अब चल जाएगा, देखिए वापस से इस पेज पे मैं आ गया। तो ये जो पेज मिल रहा है ना, ये लिंक दोस्तों, ये जो दो ऊपर वाली लिंक मिल रही है ना, ये यहाँ से मिल रही है उसको, कहाँ से, ये एक यहाँ पर एक लिंक मिल रही है डेटा, तो वो मैंने फ़िलहाल यहाँ से हटा दिया। यहाँ पर एक्चुअल वो लिंक होता, हटा के मैंने इसमें सेव कर लिया डेटा में। जब आप कर्ल पे काम करोगे तो दोस्तों समझ में आ गया, ये कोड हो सकता है आपको न समझ में आओगे, तो प्रैक्टिस करेगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये अमाउंट, जो अमाउंट है यहाँ पर, ये मैंने डायनेमिक किया है कि यहाँ पे मुझे ये चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने इसको जब ऐसे कर दिया ना तो ये यहाँ से ये अमाउंट उठाएगा, ना कि आपका ये अमाउंट उठाएगा, ये मतलब हार्ड कोडेड अमाउंट उठाएगा। पर मैंने इसको डायनेमिक किया है कि जो मुझे इस वेरिएबल में मिल रहा है उसको, जो इस टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू मिल रहा है ना, ये अमाउंट मैंने इस जो यहाँ पे मैंने एक हिडन टेक्स्ट बॉक्स लिया है, ये एक हिडन टेक्स्ट बॉक्स है और इसका नाम मैंने दिया है ग्रैंड टोटल, ठीक है। तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ ना तो वो हिडन टेक्स्ट बॉक्स का जो ग्रैंड टोटल का नेम है ना वो इसको मिल जाता है, वो यहाँ पे इसको मिल गया है यहाँ पे डायनेमिक, इसलिए मैंने ये वेरिएबल यहाँ पे बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे मिल गया उसको 40, 45, 100, 500, 200 आपको जितना भी देना है आप उसको दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस तरह से काम करता है दोस्तों, ये कर्ल का पूरा कोड आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है, और 4 से 10 बार आप ये कोड देखोगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा इसका फ्लो कैसे है एक्चुअली। तो ये डमी डेटा है मेरा, जो ओरिजिनल जो कर्ल का ये पेज है मैंने यहाँ पे रखा, बट उसमें मैंने अपना ओरिजिनल सब प्रोवाइड किया इसलिए मैंने उसको यहाँ पर नहीं ओपन किया है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 फाइल है, मैं आपको फोल्डर जब ये कॉपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा तो ये एक्शन डमी वाला पेज दूंगा, ना कि एक्शन वाला, ठीक है। तो आपको पहला काम क्या करना है, इंस्टा मोजो पे जाके एक अकाउंट सेटअप करना है। इंस्टा मोजो वाला आपसे बोलेगा कि डेबिट कार्ड को लिंक कीजिए, लिंक करने के बाद आपको क्या करना है, गेट पेमेंट डिटेल पे जाना है, और गेट पेमेंट डिटेल पे जाने के बाद पेमेंट आईडी पे क्लिक करना है, तो आपको दे देगा पीएचपी में कर्ल का कोड, ये पूरा का पूरा कोड चिपकाना है, ठीक है। सेम देखो उन्होंने पर्पज़ लिखा है किस लिए चाहिए अमाउंट, ईमेल जो है वो ईमेल यहाँ पे आपका ईमेल ओरिजिनल ईमेल आना चाहिए जो लिंक्ड है अकाउंट है, सेंड एसएमएस ट्रू करना चाहिए क्योंकि मतलब जैसे कोई भी ट्रांजेक्शन है तो आपको एसएमएस आ जाएगा, इधर से इसको देखते हैं, ठीक है। सेंड ईमेल को भी ट्रू करना है, कोई भी ट्रांजेक्शन हो तो आपको ईमेल आ जाएगा जो लिंक्ड होगा इस अकाउंट से वो, ठीक है। ये मैंने रिडायरेक्ट यूआरएल यहाँ पे दिया है, ये जो यूआरएल दिख रहा है वो दोस्तों रिस्पॉन्स और पेज भी दिख रहा था ना आपको, वो यहाँ पे मैंने दिया है। मैं इसको बैक जाता हूँ, ठीक है। देखिए ये जो यूआरएल है मैंने यहाँ पे पास करा दिया, क्यों पास करे, वो बोल रहा था कि जब पेमेंट हो जाएगा तो रिडायरेक्ट आपको कहाँ करना है, तो मैंने वाला जब पेमेंट हो जाएगा तो उसको मेरे इस पेज पे रिडायरेक्ट कर, तो यहाँ से मैं बोलूँगा चलो कंटिन्यू टू होम पेज चले जाओ, ठीक है। तो इस तरह से ये काम कर रहा है दोस्तों, मुझे लगता है आपको वीडियो समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट जरूर करना,
ठीक है, तो यहाँ पे मैं एंड करता हूँ वीडियो को, और वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।